सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, और कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन रिक्वेस्ट सेंड, ये प्रॉब्लम बहुत लोग को देखने को मिलता है। हमको हमारी वीडियो में बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज़ ठीक कर दीजिए। तो इस यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा पूरा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ऑथराइजेशन ऐप कुछ आ रहा है, तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये इंटर लॉगिन कोड, तो यही वाला प्रॉब्लम आता है जो कि बहुत लोग कोड भूल जाते हैं। यहाँ पर किसी का फ़ोन मतलब चोरी हो जाता है या सिम चोरी हो जाता है या कैसे भी, तो यहाँ पर कोड मोबाइल में नहीं होता या एप्लीकेशन डिलीट हो जाता है, तो इससे हम कोड नहीं ला पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर एप्पल स्टोर, जैसे ये एप्पल में ही काम करता है दोस्तों, तो आपको जैसे एप्पल में आपको डियो मोबाइल डाउनलोड कर लेना होगा। डियो मोबाइल, तो यहाँ पर डियो मोबाइल आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बताने वाला हूँ कि ये केवल आईफोन में ही काम करता है। जैसे आपका एक बार डिलीट हो गया तो एंड्रॉयड में काम नहीं करेगा, रिकवर नहीं हो पाएगा, केवल आईफोन में ही काम करता है। तो यहाँ पर मैं पहले डियो मोबाइल इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर पहले इंस्टॉल हो जाने देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर एंड्रॉयड में आप करते हैं या किसी का भी फ़ोन आप दोस्तों को ले सकते हैं आईफोन का, तो उसी में एक वर्क करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको ओपन नहीं करूँगा दोस्तों, डाउनलोड हो गया है। मैं पहले इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पर जो आईडी थी मेरी जिस पे लगी है प्रॉब्लम, तो यहाँ पर ओपन करके मैं लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद दोस्तों कुछ टाइम वेट हो रहा है और यहाँ पर हमारा आ गया है। फिर उसके बाद अनदर ट्राई पे क्लिक करता हूँ, ट्राई अनदर पे, फिर सेम प्रोसेस वही करूँगा, यूज़ कोड। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा सारा डिटेल मतलब आ गया है लॉगिन वाला। तो यहाँ पर पहले मैं फिर से इसको ओपन करने के बाद फिर सेकंड नंबर पे ये करूँगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा, पहले आपको ऐसे करना होगा फिर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हमारा कोड वगैरह कुछ आ गया है, तो यहाँ पर कोड मैं दिखा नहीं सकता दोस्तों। तो यहाँ पर कोड आ गया है, फिर मैं अपने इंस्टाग्राम पर फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं कर दिया कन्फर्म और यहाँ पर हो गई हमारी आईडी ओपन। सो दोस्तों यहाँ पर आप भी ऐसे आईडी ओपन कर सकते हैं। तो देखिए हमारा दोस्तों कितनी जल्दी आईडी ओपन हो गया, क्योंकि ये आईफोन के लिए है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आपका डिलीट हो जाता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। सो दोस्तों आपको अगर इसको बंद करना होगा तो आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद सेटिंग प्राइवेसी पर क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पर अकाउंट सेंटर पर क्लिक करना होगा, एंड इसके बाद कुछ ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा टू फैक्टर का। तो टू फैक्टर पर क्लिक करने के बाद हमारी इसी आईडी पे लगी है, तो मैं इसको ऑफ़ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन जो ऑथराइजेशन ऐप है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑथराइजेशन ऐप जो कि ऐप में लगा हो, तो इसको टर्न ऑफ़ कर देना होगा। यहाँ पर मैं टर्न ऑफ़ कर देता हूँ और हमारा हो गया टर्न ऑफ़। सो दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हैं टर्न ऑफ, उसके बाद नेक्स्ट नहीं बैक कर देना होगा दोस्तों, नेक्स्ट नहीं करना होगा वरना फिर से लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं बैक कर देता हूँ सारा प्रोसेस बैक। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं बैक फिर से आ गया। सो दोस्तों हमारी आईडी एकदम फ्रेश हो गई और अब कोड भी हट गया। सो दोस्तों अगर आप भी नहीं ओपन कर पाते, अगर आपको ओपन नहीं करना आता, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, हमारी आईडी स्क्रीन पे दी है, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। सो दोस्तों बाय बाय, टाटा।